और ये ऊँटों के लिए जो है वो पानी स्टोर किया हुआ है, यानी कैमल वगैरह जो है वो सारा दिन आपको इधर नज़र आ रहा है कि कहीं भी कोई पानी का इंतज़ाम वगैरह नहीं है। तो ये इसमें, ये देखें आप, ये इसमें पानी स्टोर किया हुआ है, ये सारा पानी है। और इसको एक ये पाइप दिया हुआ है इधर से, ये वो उधर जा रहा है वो खैमे के पास। तो उधर फिर जब शाम को ये कैमल्स वगैरह वापस आते हैं तो फिर ये पानी वगैरह इधर से पीते हैं। ये आप देखें, ये लाइन जा रही है पानी की और पीछे स्टोर हुआ हुआ है। ये सारी पानी की लाइन है। और ये देखें कि इधर ये अपने इस्तेमाल के लिए भी और साथ साथ कैमल्स के पीने के लिए भी। ये देखें आप, ये केतली पड़ी हुई है, ये कहवा वगैरह बनाने के लिए, और साथ ही कुछ कप वगैरह हैं। ये मेरा ख्याल है पीछे से बंद हुआ हुआ है, वो भी इसमें पानी नहीं आ रहा। और ये खेमे, वाह, ये खेमे कभी विज़िट करते हैं। ये फुल यानी कि चारों ओर पहाड़ हैं और बिल्कुल सेंटर में एक खेमा लगाया हुआ है। ये कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, जब ये अरबी लोग अक्सर ये वीकेंड पे जब आते हैं बाहर अपने विलेजेस की तरफ, तो फिर इधर ये अपना वीकेंड वगैरह एंजॉय करते हैं। ये आप देखें, ये सारी खुश्क लकड़ है। और मुझे लगता है कि ये अभी काफ़ी दिनों से बंद है खैमा। ये इस तरह कुछ खैमे के अंदर के मनाजर हैं। ये आप देखें, कुछ ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ है, वो बर्तन वगैरह हैं और पानी है, कुछ पानी की बोतलें हैं। ये मजलस, इस तरह ये अपनी मजलस बनाते हैं बैठने के लिए। बड़ा ही ज़बरदस्त खेमा बना हुआ, अंदर लाइटिंग का भी इंतज़ाम है। ये मेरा ख्याल है कि ये बैटरियों वगैरह से ये चलाते होंगे। और ये देखें कि मगफी लाइट है, ये खैमा जो है ये वाटरप्रूफ होता है, ये तुर्कश जो क्लीन होते हैं तो उनसे बना होता है। ये आप देखें, तो बड़ा ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का, जो इसमें कारपेट वगैरह और क्लीन वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और ऊपर छत आप देखें, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि इधर काफ़ी दिनों से कोई नहीं आया, तो इसलिए इसकी तरतीब वगैरह इस तरह हुई पड़ी है। पानी के सिस्टम को आपको देखें कि आप देखें कि किस तरह से मैनेज किया हुआ है। ये नीचे कुछ पत्थर वगैरह रख के तो ऊपर से पाइप गुजारा हुआ है। और ये जो होड़ी है ये कैमल्स के पानी पीने के लिए बनाई हुई है। और कुछ बर्तन वगैरह जब वॉश करते हैं तो उसके लिए। ये देखें, ये बर्तन वॉश करने के लिए वो छोटा जो पोछा होता है वो है, लेकिन अभी फुल इसमें मिट्टी है। और ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त और नेचुरल सा एनवायरनमेंट है, और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे जो अरब लाइफस्टाइल का, तो वो है।
तो दोस्तों ये एक पानी वाला कुआं है जिधर ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है इस टरबाइन के ज़रिए। मेरी आवाज़ शायद आपको सही ना आ रही हो क्योंकि इधर थोड़ा सा शोर है, लेकिन ये एक टरबाइन लगी हुई है और ये नीचे एक कुआं है जिधर से वो पानी निकाल के तो आगे इन्होंने फिर सिस्टम किया हुआ है कि जो इनके खेत वगैरह हैं उनको इधर से सराब किया जाता है। ये आप देखें, ये काफ़ी जो है इसकी गहराई है नीचे। और ये बिल्कुल जो है वो गांव वाली फील है, घने दरख्तों की छांव है और छांव के साथ साथ टरबाइन चल रही है यानी कि मोटर पानी वाली, तो बिल्कुल प्योर गांव वाली फील आ रही है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में अक्सर आपको रोडों पर इस तरह ऊँट वगैरह नज़र आ जाते हैं, तो ये फुल यानी कि बिल्कुल आबादी वाला एरिया नहीं है और काफ़ी ऊंचाई है जिसकी वजह से मेरा भी सांस फूल रहा है। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे वाइट ऊँट हैं, तो इनके मालिक जो हैं वो इनको खुला छोड़ देते हैं, ये शाम को खुद ही अपने जो यानी इनका घर होगा तो उधर चले जाएंगे।